जय हिंद। हाँ मैं संतोष, और तगड़ा ट्रैश कैसे बनाए, ट्रैश मतलब है कलरवा भैया, है कलरवा, इसको कैसे बनाए इसी के बारे में बात करें हम इस वीडियो में। बहुत से लोग सोचते हैं बस सही है ट्रैश, आगे से दिखा देते हैं या ऐसे से ट्रेंड करते हैं, सोचते हैं ट्रैश ट्रेंड हो गया। नहीं भैया, ये बहुत बड़ी मसल होती है यार, हमारे मीट बैग से स्टार्ट होती है और हुल के हमारे यहाँ गर्दन तक होती है, इतनी बड़ी मसल है। जब तक आप इसे सही ट्रेंड नहीं करोगे, आगे से पीछे दोनों तरफ से ट्रेंड करोगे ना, तब थोड़ा तगड़ा उभर के ट्रैश एकदम पहाड़ जैसा बनेगा। दू ऐसी एक्सरसाइज है, जब भी तुम बैक वर्कआउट करो या जब भी तुम शोल्डर वर्कआउट करो, दोनों से किसी में भी वर्कआउट हुआ डाल देना, तुम्हारा तगड़ा ट्रैश बन जाएगा। तो टाइम वेस्ट क्यों करें बिना किसी एंड बन के ले फिर आ गए। तो जो ट्रैश बनाने की हमारी एक्सरसाइज है ना, वो है बारबल स्लक्स। डंबल स्लक्स की बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं बारबल स्लक्स। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज होती है एक पहाड़ जैसा ट्रैश बनाने के लिए। बारबल स्लक्स मतलब एक रॉड होता है, उसी से हम लोग स्लक्स करते हैं, इसे ऐसे ऐसे करते हैं। तो कैसे करना है, एक आपको बारबल की जरूरत पड़ेगी, इस जरूर बांस वाला है, अगर आप जिम जा रहे हो तो रॉड वॉड मिल जाएगा। जो भी है, इसमें फायदा ये है कि आप इसमें हैवी वेट मार सकते हो, ज्यादा ज्यादा वजन मार सकते हो, जितना वजन मारोगे उतना फट के तुम्हारा ट्रैश बाहर आएगा। लेकिन वजन से भी जरूरी है भैया, सही फॉर्म सही कंडीशन सही तरीके से करोगे, अनबन तरीके से ज्यादा वेट मारने से कोई फायदा नहीं होता है। तो क्या करें हम लोग, पहले हम लोग कर रहे हैं, पहली जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगा सामने की तरह स्ट्रक्स करना, फ्रंट स्ट्रक्स करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे, आपने शोल्डर से थोड़ा बाहर हम लोग पकड़ रहे हैं, शोल्डर है इससे थोड़ा बाहर हम लोग पकड़ के ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, खड़े हो गए। बहुत से लोग कमी क्या है ना, ऐसे ही से मारने लगते हैं, भैया दुई कौड़ी क्यों जाएगा, मैं कोनो मतलब नहीं है। कैसे करना है, पहले आप पकड़ लिए और हमारी ग्रिप जो है इसे सीधे होगी। ठीक है, अब टाइट से खड़े हो जाना, सीना ऊपर होना चाहिए। अब खड़े हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, हाथों से ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऐसे भी कर रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो अपने हाथों को थोड़ा बेंड रख के, ज़्यादा एकदम ऐसे सीधा नहीं करना है, इससे हमारे जॉइंट्स पे आने लगेगा, कोई मतलब है, थोड़ा सा ऐसे ये लोड ऐसे देके थोड़ा बेंड करके अपने चेस्ट को ऊपर कर लो, चेस्ट को ऊपर कर लो ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपका शोल्डर है और जो कि आपकी अपर चेस्ट है, इसे ही ऊपर ले जाना है, ऐसे इसे ऊपर ले जाओगे ना, देखो शोल्डर और अपर चेस्ट को कि ताकत से ऊपर ले जाओगे तो अपने आप ट्रैप्स फट के बाहर आ जाएगा। देखो ये ऊपर, होल्ड स्लो डाउन, ये वाला नहीं करना है, ऐसे शोल्डर और चेस्ट से ऊपर गए, ये स्लो डाउन ऐसे घिसते हुए, ये स्लो डाउन। और जितना अच्छे से आप नीचे आ रहे हैं और जितना अच्छे से आप ऊपर जा रहे हैं, यही माने रखता है, कोई और माने नहीं रखता। ऊपर जाके इसे क्या करना है, होल्ड करना है, पूरे ट्रैप्स को होल्ड, नीचे आराम से स्ट्रेच, फिर होल्ड, फिर स्ट्रेच, फिर होल्ड स्क्वीज। इसमें क्या करना भैया, आप जाके होल्ड जरूर करोगे और फिर नीचे इसे तानते हुए आओगे, और ये वाला सिस्टम अब नहीं होगा। सही तरीके से पूरे ट्रैश पे लोड डालना है, आप एक ही सेट करोगे ना, आपको बहुत तगड़ा लगेगा, यहाँ पे ट्रैश पे पूरा लोड पड़ने लगेगा। फ्रंट तो आपने ट्रेंड कर लिया, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है, एकदम तगड़ा हिस्सा है, वो तो ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। उसी से हमारा जो ट्रैश है वो पहाड़ जैसा उभर के इसे बाहर आए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछवाड़े से करेंगे सरक। कैसे करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से पकड़ रहे थे, अभी हम लोग अपना टंगियाँ आगे लेके चले आएंगे। ठीक है ना, फिर से वही शोल्डर थोड़ा बाहर ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, और खड़े हो जाएंगे लेके। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, आपको एकदम सीधे नहीं रहना है, थोड़ा सा रखना तो अपने आप बॉडी को सीधा ही, ऐसे लड़काने से कोई फायदा नहीं है, आपकी रीढ़ सीधी ही होगी, लेकिन क्या है ना, आगे की तरफ थोड़ा ऐसे ऐसे जो हमारी बॉडी है थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ से झुकी टाइप होगी, लेकिन सीधी रहेगी, ऐसे नहीं करना है, रखना सीधी है लेकिन आगे की तरफ ऐसे झुकी होगी। अब पकड़ लिए, फिर से वही सिस्टम, आओ होल्ड करो फिर स्लो डाउन, ये करने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग उठाने लगते हैं, ये कौन एक्सरसाइज है गुरु, नहीं टाइट रख, तनिक झुक और जे पूरा ऊपर स्क्वीज करो, फिर आओ नीचे, स्क्वीज फिर आओ नीचे। इसमें क्या करना है ना, आपको अपर बैक और रियल डेड से मतलब पीछे वाला जो शोल्डर है इससे पूरा ऊपर खींचना है इसे, होल्ड स्लो डाउन, होल्ड स्लो डाउन, होल्ड। ये बहुत तगड़ी एक्सरसाइज, एक बार जरूर ट्राई करना, चार सेट फ्रंट और चार सेट बैक, सही तरीके सही फॉर्म सही टेक्निक शोल्डर और बैक के दिन कर देना, आपको देखोगे ना डे बाय डे तुम्हारा जो ट्रैश है वो इसे पहाड़ तरह उठने लगेगा, और तुमको लगेगा कि अरे यार हमने सही तरीके से किया, सही फॉर्म में किया, सही टेक्निक में किया, बवाल मच गया। और सुनो, अपने आप कमजोर मत समझो मेरे भाई, हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे चल सफल हो, लेकिन हर एक माँ बाप ये भी चाहता है कि हमारा बेटा तगड़ा हो, मजबूत हो, और हर एक सिचुएशन अपने आप को सर्वाइव कर सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, काम करो, नाम करो, बवाल मचाते रहो।